दोस्तों, अगर हम गार्डनिंग करते हैं अक्सर क्या होता है, कोई ना कोई प्लांट जो हमारा फेवरेट हो जाता है तो आस पड़ोस के लोग या रिलेटिव्स क्या होते हैं कि उसी प्लांट की मांग कर लेते हैं, कटिंग दे दो या फिर प्लांट से पूरा दे दो। तो थोड़ा सा तकलीफ़ होती है कि हाँ इतने महंगे प्लांट और इतना मेरा फेवरेट है प्लांट मांग रही है ना। दोस्तों तो बोलते कि हाँ कंजूसी भी करती, देती भी नहीं, कितना एटीट्यूड है इसके अंदर। तो ये थोड़ा सा हम जो गार्डनर्स हैं ना, इनके प्रॉब्लम्स होती हैं। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसे प्लांट की कटिंग लगाना जिनमें कटिंग एक दो दिन में आराम से बन जाती है। कुछ तो ऐसे कटिंग्स होते हैं दोस्तों जो कि आप तुरंत लगाएंगे ना, तुरंत से वो सर्वाइव करना शुरू कर जाती हैं, कलियां भी आई रहती हैं तो खिलने भी लगती हैं। तो कुछ ऐसे आसान से पौधों की कटिंग लगाना आज आप लोगों को बताऊंगी, प्लांट्स के नेम भी बताऊंगी। तो वीडियो में आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों बताते हो कौन से प्लांट हैं जिनकी कटिंग बहुत ही जल्दी लग जाती है। दोस्तों ये है मैरीगोल्ड का प्लांट यानी गेंदे का प्लांट है और इनको मैंने सीड से ही ग्रो किया, भी देख सकते हो कितना ढेर सारा हो गया है। और दोस्तों इनकी कटिंग आज लगानी है। कटिंग लगाने का दोस्तों बस एक ही मकसद होता है कि प्लांट हमारे पास ढेरों सारे हो जाएं और जो मेरा मेन प्लांट है वो घना हो जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है जितना घना होता है प्लांट उतने ही अच्छे से ये ग्रो भी होते हैं, घने भी होते हैं, फ्लावरिंग भी आते हैं। तो कटिंग दोस्तों हमें यहाँ से चाहिए। वैसे गेंदे की जितनी भी कटिंग लगाते कहीं से भी लगा दो आराम से लग ही जाते, चाहे आप यहाँ से भी लेंगे तब भी चल जाएगी, यहाँ से भी लेंगे तब भी चल जाएगी। तो हमें ज़्यादा नहीं, 4 या 5 इंच की दोस्तों कटिंग चाहिए, क्योंकि प्लांट बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना है। उसमें देखिए इस तरीके से एरर रूट्स भी निकल रहे हैं यहाँ से भी, तो उन घना बनाना तो बस यही है कि बस इनमें दोस्तों 1-2 महीने या उससे पहले ही फूल आना शुरू हो जाएंगे। तो अभी इनमें मैं कटिंग ही तैयार कर लूँ, सबसे बेटर यही होगा। तो ज़्यादा नहीं, बस एक ही कटिंग में लेने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ से देखें इस तरीके से, यहाँ से हम इनकी कटिंग लेंगे, बस एक ही कटिंग लेना है। और हमें इनके लिए जो सॉइल होती है बिल्कुल सिंपल सॉइल, बस जो एक्स्ट्रा लीव्स होती है ना निकाल देनी, सॉइल बिल्कुल गार्डन सॉइल नॉर्मल होगी। और इस तरीके से हम कटिंग इनकी लगा देंगे। तो दिखा दूँ आपको सॉइल जो है हमारी, ये सॉइल है, इस तरीके से सॉइल ली हुई है मैंने और एक हाथ से मैं कटिंग लगाने जा रही हूँ। आप चाहें तो इसमें एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो या फिर आप इसी तरीके से लगा देंगे। बस ये हो गया, बस आप जब पानी देना चाहें इन्हें पानी दे दीजिए, आराम से चल जाएगा। तो अभी मिट्टी फिलहाल ड्राई है हमारी, तो पानी भी बनता है देने के लिए। मेरी कोट की कटिंग दोस्तों इस टाइम भी ग्रो कर सकती है, आने वाले टाइम में इनमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो फटाफट से सीड या फिर कटिंग ज़रूर अभी ग्रो कर लें मेरी कोल्ड की। दोस्तों ये वेरीगेटेड वाले हमारे स्वीट पोटैटो वाइन है, देख सकते हैं बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, पिंक और ग्रीन कलर है, इसमें थोड़ा सा पर्पल भी ऐड हो जाता है बट अभी नहीं। तो इनकी भी मैं कटिंग लगाना चाहूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये प्लांट अगर कभी ख़राब भी हो जाए तो कम से कम इनकी कटिंग हमारी बची रहे। और इसको मैंने 10 दिन पहले डिस्पोजल में कटिंग से तैयार करी थी, फिर इसमें मैंने लगा दिया। अभी प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से हो रही है जैसे कि आप देख सकते हो। तो इनकी भी कटिंग दोस्तों अभी मैं लगाने वाली हूँ। तो करना क्या है दोस्तों, इनकी जैसे कि इसमें आप देख रहे होंगे एरियल रूट्स निकल रही हैं यहाँ से, तो यहीं से कटिंग में लेने की कोशिश करूँगी। फ़िलहाल छोटी मुझे चाहिए, बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो रखी है तो छोटी फ़िलहाल अभी मुझे दिख नहीं रही, ये बढ़ रही है। तो मैं चाहती हूँ ये हमारा प्लांट घना हो, तो ये यहाँ से एरियल रूट्स निकल रहे हैं, ऐसे इनकी कटिंग ले रही हूँ। इनकी 1-2 पत्तियाँ इस तरीके से हटा देनी है, देख सकते हैं इस तरीके से। और हमारी जो सॉइल है ये मिट्टी है, इसमें लगा देना है। आप नॉर्मल सॉइल में भी दोस्तों लगा सकते हो, बस जो जड़े वाले पॉइंट है उनको अंदर रखना, इस तरीके से आराम से आपकी कटिंग लग जाएगी। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, आप चाहें तो इन्हें किसी को दे भी सकते हैं, अपने पास भी रख सकते हैं, मदर प्लांट दोस्तों कभी भी ख़राब हो सकता है, तो इनकी भी कटिंग आप ज़रूर लगाएं। दोस्तों ये देख सकते हैं हमारा रियो प्लांट है और ये छाया पसंद प्लांट है, इनको छाया में रखे जाने वाला प्लांट माना जाता है, वो बहुत अच्छे से चलते भी हैं। इनकी अगर पत्तियों की बात करूँ दोस्तों, इस तरीके से सामने से अच्छे थोड़ा से डार्क ग्रीन रहते हैं और बैक से देखेंगे तो थोड़ा इस तरीके से पर्पल कलर में नज़र आते हैं। इनकी मेरे पास 3 वेराइटी जिसको बोटेली के नाम से जाना जाता है, रियो और एक और जो कि वेरीगेटेड वाले। तो तीनों प्लांट दोस्तों बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं, हालांकि इनको मैंने कटिंग से ही तैयार किया। मैं दिखा दूँ मतलब इनकी
कटिंग होती है, इसमें एरियल रूट्स इस तरीके से निकले हुए होते हैं। यहाँ से तोड़ के अगर हम लगाना चाहें तो नया प्लांट ढेरों सारे बना सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल थोड़ा सा और मैं चाहती हूँ, घना जब ये हो जाते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। जिस तरीके से अभी इनमें एक प्लांट, ये मदर प्लांट सा, इसी को तोड़ के मैंने ये लगाया हुआ है और अभी चल भी रहे हैं, तो इसी तरीके से पूरा घना हो जाएगा तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो ये भी प्लांट कटिंग से ग्रो हो जाते हैं इनलिए आपके गार्डन में, और बहुत मतलब ज़्यादा केयर भी नहीं है, बस पानी देते रहिए, आराम से प्लांट आपका चलता रहेगा। किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है ना ज़्यादा, किसी केयर की पत्तियां अगर सूख जाती हैं तोड़ के फेंक दीजिए, फिर आपका प्लांट दिखने में खूबसूरत दिखेगा। तो मैंने एक ही गमले में दो कटिंग लगाई हुई है, क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ कि कभी भी आप अगर कटिंग ग्रो करते हैं तो छोटी जगह चुनिएगा। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे, ये टेबल बैकबोन की एक वैरायटी है, बहुत ही छोटी सी थी, बहुत ही प्यारी और क्यूट लग रही देखने में, तो इसको भी मैंने छोटी कटिंग से लगाया था। ये दोस्तों ख़राब हो गई थी, यहाँ से तोड़ के मैंने फिर से इसको सेव करने की कोशिश करी थी और देख सकते, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा पानी जमा हो गया, लेकिन कटिंग अच्छे से चल रही है। तो इनकी भी कटिंग दोस्तों कहीं भी दिखे तब अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट यहाँ पे ये हमारा एरोफेरिया का प्लांट है, तो इसको भी मैंने कटिंग लगाई हुई, लगभग 15-20 दिन हो गए, अगर नहीं लगी होती तो प्लांट पीले पड़ जाते और ये यहाँ से भी सूखना शुरू हो जाते हैं, इनकी जो पत्तियाँ नीचे होती पीली होने लगती है। तो इन्हें भी मैंने कटिंग से ही लगाया, यानी कि दो प्लांट को मतलब आराम से लगा दिया कटिंग से। तो ये एरोकेरिया प्लांट है, प्लस यहाँ पे मैंने इस तरीके से टेबल बैकबोन की ये वैरायटी है, दो तो मैंने पहले ही आप लोगों को दिखाई होगी वेरीगेटेड वाली, ये सिंपल ग्रीन वैरायटी है, लेकिन इनकी पत्तियाँ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है। तो मैं बता दूँ, बिल्कुल छोटी सी कटिंग में चुरा कर लाई थी नर्सरी से, नर्सरी नहीं था पार्क था, वहाँ पर लगा हुआ था, वहीं से मैं लेकर आई हूँ। और ये तो फिलहाल मेरे गार्डन की है, मैंने अपने गार्डन से ही तोड़ के लगाया हुआ है, और मैंने कई बार ट्राई किया है लेकिन कटिंग नहीं लगी, फिर से मैं कोशिश करती रहती हूँ, कभी ये नहीं हुआ कि मेरी कटिंग नहीं लगी तो मैं उन्हें लगाती हूँ, लेकिन मैं हमेशा ट्राई कोशिश करती रहती हूँ, कभी तो सक्सेस होगी, क्योंकि कटिंग से दोस्तों ही लगती हूँ, सीड होते नहीं तो कटिंग से ही लगते हैं। तो कटिंग इस तरीके से ही मैं लगाती हूँ, लगाने का थोड़ा सा ये होता है ना कि कभी भी कटिंग हम लगाते हैं तो पानी का ध्यान रखते, कभी पानी कम हो गया ज़्यादा हो गया कटिंग हिल जाती है, सारे रीज़न होते हैं जो आपकी कटिंग सक्सेस नहीं होती, तो वो तो प्रॉब्लम हर एक गार्डनर को रहती है। लेकिन बहुत जो हार्डी प्लांट होते हैं लग जाते हैं, थोड़े से मुश्किल वाले प्लांट होते हैं नहीं लगते, जिसमें से हमारा ये है अभी तक नहीं सक्सेस होती। यहाँ पे दो प्लांट्स मैंने एक ही गमले में ग्रो किया हुआ है, कभी आपको भी मौका मिले तो सारे प्लांट दोस्तों ज़रूर आप ग्रो करिएगा। नेक्स्ट दोस्तों ये हमारा है बेबी सनरोज, और इसको मैंने कटिंग से ही लगाया था कुछ दिन पहले, जो कि इसका जो मदर प्लांट था दोस्तों वो ख़राब हो रहा था। अभी देखिए इसमें मिलीबग्स भी लग रहे हैं, कुछ और भी कीड़े इसमें लग रहे हैं, तो इसके लिए मुझे कुछ दोस्तों उपाय करना होगा, नहीं तो सारे प्लांट हमारे ख़राब हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर पत्तियाँ में फंगस लग रही, तो इनको मैं हटा देती हूँ, क्योंकि शुरुआत दोस्तों फंगस से ही होती है और मैंने सेव करके रखा हुआ था। देखिए ये वाला ख़राब हो रहा है, तो इनको मैं हटा के फिर से कटिंग लगा दूँगी ताकि हमारा प्लांट दोस्तों सेव रहे। देखिए इस तरीके से क्या होता है ना कि अगर एक मिलीबग्स कहीं दिख जाता है ना तो वो आसपास में रखे हुए प्लांट्स को भी खाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें हम गार्डनर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है मिलीबग्स। तो मैं यहाँ पे पहले कटिंग अपनी लगा देती हूँ, और आपके पास अगर दोस्तों ये प्लांट्स हैं तो ज़रूर लगाएँ, क्योंकि बहुत मुश्किल से प्लांट बच पाता है रेनी सीजन में। हमें दोस्तों ये मेरे यहाँ पे तो बिल्कुल मिलता भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से मुझे नर्सरी वाले ने ये छोटी सी कटिंग दे दी, उनके पास भी नहीं था, बट मैं लेकर आई, छोटी सी कटिंग लाई थी और उसी से मैंने ढेरों प्लांट्स बनाना शुरू कर दिए। देखिए ये भी ज़रा सा फंगस लगना शुरू हो जाता ना तो प्लांट सारे ख़राब होने लगते हैं। तो अभी मैं दोस्तों स्प्रे ज़रूर करूँगी बहुत ही जल्द, क्योंकि अभी मैं नहीं चाहती मेरा फिर से प्लांट ख़राब हो। और ये वाला तो बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन मिलीबग्स देख सकते हो किस तरीके से लगा हुआ, दोस्तों इनको मैं हटा दूँ नहीं तो मेरे प्लांट को ख़राब कर देंगे, और बहुत ही मुश्किल से बचा के मैं रख पाती हूँ। तो दोस्तों अगर आपके पास ये बेबी सनरोज के प्लांट्स हैं तो इनको भी आप कटिंग से ज़रूर ग्रो करें।
दोस्तों काफ़ी दिन हो गया मैंने अपने वीडियो में एचर प्लांट का जिक्र नहीं किया, तो आज चलिए जिक्र कर ही ले रहे हैं। तो एचर प्लांट को भी दोस्तों कटिंग से आप लोग लगा सकते हैं इजीली। और देखिए जिक्र मैंने नहीं किया तो प्लांट में इस तरीके से घास भी निकाला है, ग्रोथ देख सकते हैं दोस्तों बहुत अच्छे से हो रही है। मैंने यहाँ से पिंचिंग कर दी तो यहाँ से घने भी हो रहे प्लांट्स और बहुत अच्छे से चल रहे हैं। रेनी सीजन है, कोई भी सीजन उनको अच्छे से धूप पानी मिलता है तो हमारा एचर प्लांट दोस्तों बहुत अच्छे से चल जाता है। तो इनको भी दोस्तों इजीली अभी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैंने छोटे से कंटेनर में इनको लगाया हुआ है। ऐसे एचर प्लांट के दोस्तों ढेरों सारे हमारे पास प्लांट्स हो गए हैं। अगर आप लोग भी ऐसे प्लांट के शौकीन हैं तो कटिंग से इजीली लगा सकते हैं। इनकी छोटी से छोटी कटिंग आराम से दोस्तों लग जाती है जैसे कि आप देख रहे हो। तो इन्हें भी आप अपने गार्डन में कटिंग से लगा लें, क्योंकि मैंने इनको सिर्फ 1 इंच की कटिंग से अपने गार्डन में लगाया था और आज मेरे पास इतने ढेर सारे प्लांट हैं कि मैं इन लोगों को भी देती हूँ और ख़ुद तो तैयार करती ही हूँ। तो आप भी इन्हें ज़रूर अपने गार्डन में कटिंग से ग्रो करें। नेक्स्ट दोस्तों हमारा ये खूबसूरत सा बेबी टीयर्स प्लांट्स हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इनकी बता दूँ इतनी छोटी सी कटिंग लाई थी, आज ढेरों सारे मेरे पास हो गए हैं। और रेनी सीजन ना इन सब के लिए बेस्ट होता है। मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाया और इसमें थोड़ा सा कटिंग मतलब सेव कर ली है ताकि कटिंग तो हमारे पास रहे, मदर प्लांट अगर ख़राब हो जाए तो। हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो छोटे से कंटेनर में जैसे मैंने लगाया हुआ ना ऐसे भी लगा सकते हो और हैंगिंग बास्केट में भी आप ग्रो कर सकते हैं। छाँव में चलने वाले सारे पौधे हैं, इजी टू ग्रो इजी टू केयर प्लांट हैं, बिना देरी के झटपट से लग जाते भी हैं। और दोस्तों ये हमारा अजवाइन का प्लांट है, छोटे से मैंने कंटेनर में 4 इंच के में लगाया हुआ है, बहुत अच्छे से चल रहा है। और इसमें देखिए कोस को मैंने मुर्गा फूल का भी बीज उगाया है और ये फ़िलहाल लास्ट ईयर लगा हुआ था ना तो उसी से यहाँ पे मतलब बीज गिर के खुद से उगे हैं, मैंने नहीं लगाया था। तो अभी देख सकते हैं अच्छे से चल रहा है। और ये दोस्तों अजवाइन का प्लांट है, ये भी कटिंग से ही लगने वाले प्लांट्स हैं, इनको भी ज़्यादा केयर की जरूरत नहीं होती। छोटा सा मैंने कंटेनर है उसी में लगाया था, उसमें सीड भी लगाया। तो मेरी दोस्तों आदत होती है प्लांट हटाती नहीं हूँ, थोड़ा सा लालच आ जाता है प्लांट हट गए तो फिर अच्छे नहीं लगेंगे, दुख भी होता है। तो वैसे लगा हुआ हुआ है यहाँ पे। तो ये हमारा अजवाइन का प्लांट है, इन्हें भी दोस्तों कटिंग से इजीली 1-2 इंच की कटिंग से लगा सकते हैं। जड़ें भी 2-3 दिन में बन ही जाती हैं बहुत ईजिली। तो अगर आप लोगों को इस तरीके के प्लांट पसंद है तो अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं, कोस्कम को भी और हमारे अजवाइन प्लांट को भी। इनको दोस्तों मैक्सिकन मिंट के भी नाम से जाना जाता है, ऐसा नहीं है कि बस इनको अजवाइन ही बोला जाता है। दोस्तों एक ये हमारा प्लांट है टर्टल वाइन, देख सकते हैं बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ हो रही है। तो ये भी मिंटों में लगने वाले थे, पहले से इसमें देखिए एरियल रूट से निकले हुए हैं तो इनको भी लगाने की ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। बस 1 इंच की कटिंग लीजिए, मिट्टी में फेंक दीजिए, फिर ढेरों प्लांट बन जाएंगे। और ये हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट है। तो अभी थोड़े से बड़े हो जाए तो मैं इनको हैंग करूँ। फिलहाल वैसे मैंने हैंगिंग बास्केट में दोस्तों इनको लगाया हुआ है। अगर आप सभी को लगाना है ऐसे प्लांट्स तो दोस्तों ज़रूर ग्रो करें कटिंग से। कहीं भी नर्सरी में या आसपास में जाते हैं तो ये सारे प्लांट दिख जाएंगे, तो झटपट से आप अपने घर में इन्हें ज़रूर लगा लें। 1 दिन में क्या दोस्तों तुरंत जैसे आप लगाएंगे ना बस नमी पाते ही शुरू कर देती है अपनी ग्रोथ। आसपास के प्लांट अगर कहीं रखे होते हैं तो उनमें भी अपना ये जमवाड़ा कर लेते हैं, यानी कि हम अपना भी ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत ही जल्दी से लगने वाले खूबसूरत से ये हमारे टर्टल वाइन है। तो बिना देरी के आप इन्हें भी अपने गार्डन में लगाएं। एक ये है दोस्तों हमारा खूबसूरत सा टेंगल हार्ट, मैंने इस तरीके से बॉटल कट करके रखी हुई थी ना उसी में मैंने लगा दिया। नीचे का जो ऊपर का पार्ट होता है नीचे में तो अच्छे से कहीं भी रख सकते, इस तरीके के प्लांट हमसे हैंग कर सकते हैं। इनको मैं ऐसे ही दीवार में हैंग कर रही थी और अभी भी देख सकते हैं कितने अच्छे से ग्रोथ हो रही है। तो इन्हें भी आप इस तरीके से छोटे से कंटेनर में लगा सकते हैं, बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं। बिना देरी के आप इन्हें भी अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। 1 इंच की कटिंग इनकी लग जाती है तो आप टेंगल हार्ट को भी दोस्तों लगा सकते हैं। छांव में लगने वाले ये पौधे होते घर के अंदर किसी भी कोने में लगा दोगे तो ये अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे।
सो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कुछ ऐसे पौधे जिनको आप अभी कटिंग से लगाएंगे तो उनकी कटिंग एक दो दिन में लग जाती है। यानी कुछ तो ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी जड़ें पहले से ही बनी रहती हैं, कुछ होते हैं कि बस पानी के संपर्क में ही आते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है शुरू हो जाती है। तो बिना देरी के अगर आपको ये सारे पौधे कहीं दिखें तो कटिंग से इसलिए आप ग्रो कर सकते हैं। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो वीडियो को हमारे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।